नमस्कार, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज में आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर, जहां एक और नवरात्रि के पर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित हो रही है। आज हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कराते हैं, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां पर हमारे संवाददाता सीतू सिंगर ने मंदिर में जाकर श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं उनकी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। आज UP24 की न्यूज पहुंची है एक ऐसे मंदिर में जहां पे शायद ही भारत का कोई बच्चा या कोई भी शख्स हो जो इस महाकाल मंदिर के नाम को न जानता हो। आज उज्जैन की नगरी महाकाल की नगरी में UP24 की पूरी टीम पहुंची है और इस चिंता पर यहां के भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है, चाहे वो कोई भी दिन हो। लेकिन यहां पे माना जाता है कि सोमवार का दिन भक्त बहुत ही श्रद्धा भाव से आते हैं और बाबा महाकालेश्वर के सामने जो भी अपनी फरियाद रखते हैं बाबा उनकी फरियाद पूरी करते हैं। और कुछ भक्त मेरे साथ हैं, सीधे मैं उनसे बात कराता हूँ। ये क्या नाम है आपका? तो आप कब से यहाँ बाबा के यहाँ आ रहे? 3-4 साल से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। सोमवार को भी बस आती होती है, सुबह 4 बजे से बस आती है। अभी तक तो मौका नहीं मिला और आज अच्छे मौके से आपकी नसीब होगी जी। ये देखिए, और मेरे साथ एक भक्त भी है। क्या नाम है आपका? अमित साहू। अमित साहू जी कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से। इंदौर से? तो आप बाबा के यहाँ कब से आ रहे हैं? तो क्या आपकी कोई खास मुराद है क्या कि बाबा ये पूरी जी? हाँ, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ अगर उन्हें बहुत अच्छा निश्चित तौर पर यहाँ की पावन धरती की मट्टी को चूमने से ही जिसके कष्ट दूर हो जाते हो तो यहाँ पे तो साक्षात महाकाल बैठे हैं। कहते हैं कालों के काल महाकाल। मेरे साथ कुछ और भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए मैं आपसे उनसे भी बात कराता हूँ। सर, क्या नाम है? मेरा भी जम तक अग्रवाल, हम अम्बाला हरियाणा से आए हैं। हम परसों यहाँ आए थे, महाकाल आरती को सवेरे देखा, थोड़ा बहुत आरती के दर्शन को बहुत अच्छा लगा, हरी मन को शांति मिली और मैं बार बार आते रहे। जी हाँ, देखिए मैं और बता दूँ, यहाँ पे एक तो और भक्त खड़े हुए हैं। कहाँ से आप आए? मेरा नाम है गुरु सिंह, आए हैं गुजरात से और महाकाल के दर्शन किए। अभी आगे महेश्वर का दर्शन किए, अभी आगे महाकाल महल का दर्शन करने वाले हैं। दर्शन करके रात काले आए थे दर्शन करने के लिए, भस्म आरती किया, आनंद किया और महाकाल का दर्शन। जय महाकाल। जय। जी हाँ, और आपने जैसा कि देखा अभी यहाँ पे भक्तों ने सीधे UP24 की टीम ने भक्तों से बात की और मेरे साथ गुजरात से एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रही है जो कि हमेशा उनका जितना भी जीवन है वो शिव भक्ति में लीन रहता है। तो गुजरात से आए हुए ऐसे वो शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो कि हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलन भैया और मैं गुजरात से आया हूँ। मैं शिव कथाकार हूँ। सोमनाथ दादा के दर्शन के और आए महाकाल के दर्शन के लिए आया हूँ और आज बहुत आनंद हो रहा है कि यश महाकाल की उज्जैन की भूमि पे आके बहुत बढ़िया लगा। महाराज जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा। यह जैसा कि आप शिव की भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि शिव की अगर आपने पूजा कर ली तो निश्चित तौर पर उनके पूरे घर की पूजा कर ली, तो क्या ये उस शिवलिंग में ऐसा रहस्य है? हमारे शास्त्र में शिवपुराण में बताया है, महादेव 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 की योग अधेर एक मुक्ति मापनोती लाभ्याम संभोर होनी भले। तो भक्त है जो महादेव का रटन करते हैं, महादेव का नाम स्मरण करते हैं, एक बार महादेव बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके हृदय में शंभू ऋणी भवे, भगवान के शंभू में शंभु की ऋणी और ऋण में बंधन हो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे गुजरात से आए हुए शिव। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UP24 न्यूज। नमस्कार।